हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी 1892 आप लोग की वैकेंसी निकली थी जिसके लिए ऑफलाइन अप्लाई होने वाले हैं। यदि आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप लोग 10th प्लस ITI हैं तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, बट जो इसके ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी लास्ट डेट है 20 जुलाई 2020। तो इसका ऑफलाइन फॉर्म मैंने अभी तक नहीं बनाया था तो कई बच्चों के बहुत कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इसका जो ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो बना दिया है। तो आप लोग भी इसके ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो देख लीजिए, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए मैं आप लोग को इसके जो PDF है और कैसा फॉर्म है ठीक है पूरी जानकारी देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो इनका जो PDF है ठीक है, इन दोनों का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, वेबसाइट का भी दे दूंगा और इसका जो PDF है इसका लिंक भी दे दूंगा। इसी में जो है आप लोग का फॉर्म है, इस फॉर्म का ही आप लोग को जो है प्रिंट आउट निकलवाना है। जी हाँ, मार्केट से जाकर आप लोग को प्रिंट आउट निकलवाना, एक या दो प्रिंट आउट आपको निकाल कर रख लेंगे। चलिए, और इसमें आप लोग को जो जैसा मैंने आप लोग को बताया 1892 पोस्ट निकली हुई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोग की वैकेंसी है और इसमें आप लोग की जो वैकेंसी है ये जूनियर मेट की और जूनियर हेल्पर की वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट 20/7/2020 है। लेकिन यदि आप लोग बिलोंग करते हैं ललुआ स्पीट डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पंजी और बारमोर सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड दोदरा करवा सब डिवीजन ऑफ शिमला, तो आप लोग ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप लोग 4/8/2020 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो देखिए और फटाफट अप्लाई कीजिए, किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आप लोग को एड्रेस बताया हुआ, 3 एड्रेस दिए, तीनों में से किसी एक एड्रेस पे आप लोग को फॉर्म भेज देना, कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग को किसी एक प्रॉपर एड्रेस पे भेजना है, कहीं भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को आने वाली नहीं। तो इसमें आप लोग कास्ट वाइज सब कुछ बताया हुआ, जनरल ST OBC कैसे है ठीक है आप लोग देख लेंगे। इसमें जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास, आप लोग 10th पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिजायरेबल मांगा हुआ, मीन्स यदि आप लोग ITI है वायरमैन एंड इलेक्ट्रीशियन से तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो इसमें सिलेक्शन है कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, आप लोग के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन है, मीन्स आप लोग की जो 10th में मार्क्स है उसके आप लोग को 60% मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आप लोग को टेक्निकल है ITI तो आप लोग को इसमें यहाँ पे 25 मार्क्स, इसके अलावा आप लोग को 15 मार्क्स जो है इसमें स्पेशल कैटेगरी होने पर यहाँ पे मिलेंगे ठीक है। तो आप लोग का सिलेक्शन इसी के बेस पे होने वाला है। चलिए मैं आप लोग को इसके ऑफलाइन की जानकारी देता हूँ, यदि आप लोग को रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी नहीं है तो आप लोग दूसरा मेरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने ठीक है ये सब चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोग को नीचे आ जाना ठीक है, इसी PDF में नीचे ही आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है। आप लोग मार्केट जाएंगे तो आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं मुझे ये फॉर्म जो है नीचे वाला इसका प्रिंट आउट निकालना है ठीक है, वो निकाल के दे देगा। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आप लोग को जो अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। जी हाँ, आप लोग का जो भी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो वो आप लोग को लगा देना, फोटो के ऊपर आप लोग को साइन कर देना, मीन्स आधे साइन आप लोग के नीचे होने चाहिए, आधे साइन जो है आप लोग के फोटो के ऊपर होने चाहिए ठीक है। तो ये आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड फोटो हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आप लोग को अपना नेम लिखना है, नेम आप लोग को जो भी आप लोग का हाई स्कूल में जो नेम है उसी बेस पे आप लोग नेम लिखेंगे ठीक है। जो भी नाम है आप लोग लिख देंगे, नाम के आगे किसी प्रकार का श्री और मिस्टर वगैरह नहीं लगाएंगे। फादर का नेम भी आप लोग उसी प्रकार से पूरा लिख देंगे जो भी आप लोग के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है, और फादर के नेम के आगे आप किसी प्रकार का मिस्टर लेट वगैरह नहीं लगाएंगे ठीक है। अब बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोग का मैट्रिक सर्टिफिकेट में मीन्स हाई स्कूल सर्टिफिकेट में सारा का सारा जो भी है आप लोगों को हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखना है। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ फिगर में लिख देनी है, फिगर का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे कि 13/01/1986, 13/01/1985 ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना। इसके बाद बारी आती है वर्ड्स में, तो आप लोग यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे 13 जनवरी 1996 इस प्रकार से ठीक है, 13 जनवरी 1996, 13 जनवरी 1995 जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो उस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है एज ऑन 1/4/2020, आप लोगों को 1/4/2020 में जो क्या आप लोग की एज है वो एज आप लोग को काउंट करनी है, फिर उस एज को आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो जितने आप लोग की ईयर आ रही है जैसे आप लोग यहाँ पे 22 आ रही है, 23 आ रही है, 24 आ रही है लिख देंगे, कितने मंथ आ रही है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वो मंथ आप लोग यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एज और ईयर लिख देंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग का जेंडर, जी हाँ जेंडर आप लोग को यहाँ पे लिखना है, मेल फीमेल जो भी है आप लोग ठीक है, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मेल है तो यहाँ पे आप लोग मेल लिख देंगे, फीमेल है तो आप लोग यहाँ पे फीमेल लिख देंगे।
और इसके बाद जो एज के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें एज जो है 18 से 30 साल मांगी गई है और एज में आप लोग यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं पता तो वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। 18 से 30 साल एज है, एज में आप लोग को छूट मिलेगी यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो। अब इसके बाद बारी आती है परमानेंट होम एड्रेस। तो जो भी आप लोग का परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आप लोग पूरा लिख देंगे, ठीक है। आप लोग पिन कोड लिख देंगे पूरी तरीके से, आप लोग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पिन कोड ये चीजें जरूर लिखेंगे। इसके बाद आप लोग डिस्ट्रिक्ट आ गई, ठीक है, यहाँ पे स्टेट आ गई, पिन कोड आ गई। और इसमें आप लोग नीचे चलते हैं, नीचे आप लोग का यहाँ पे है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस का मतलब होता है कि पत्राचार का पता, जहां पे आप लोगों को वो पत्र भेजे तो आप लोग को प्राप्त हो जाए, ठीक है, इस वक्त जहां पे आप हैं। तो यदि आप लोग का परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एक है तो भी आप लोग दोनों फिल कर देंगे, ठीक है। यदि अलग अलग है तो दोनों अलग अलग फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पूरा लिख देंगे, स्टेट और आप लोग का पिन कोड वगैरह। इसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर और फोन नंबर। तो मोबाइल नंबर फोन नंबर वही लिखिएगा जो कि आप लोग का चालू हो, इस वक्त आप लोग के पास हो, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है ईमेल आईडी। यदि कोई ईमेल आईडी है तो आप लोग लिख देंगे, नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और यदि है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मेरे हिसाब से बना के रख लीजिए, उसका बेनिफिट आप लोग को हमेशा मिलता है। इसके बाद बारी आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क। तो आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क मीन्स आप लोग के शरीर पे कहीं पे जले का निशान हो, कटे का निशान हो, कोई चोट वगैरह हो जो परमानेंट हो, ठीक है, और कोई परमानेंट निशान हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई तिल है, तिल वगैरह नहीं, आप लोग कोई परमानेंट निशान हो जले का कटे का तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। और यदि कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो मार्क्स लिख देंगे, ठीक है, नो मार्क्स मतलब कोई मार्क्स नहीं है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को ही लिखिएगा, कोई और कैटेगरी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आप लोग को आगे जो है इसका लॉस होगा। तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं UR जनरल, WFF में आते हैं, OBC UR में आते हैं, OBC BPR ANT में आते हैं, SC UR में आते हैं, SC BPR ANT में आते हैं, ठीक है, जिसमें भी आते हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग उस चीज को लिख देंगे। इसके साथ आप लोग को जो है एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चिपकानी है, वो मैं आप लोग को नीचे बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने। इसके अलावा आप लोग के पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, जी हाँ, तो आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बारी आती है प्रीफरेंस और द पोस्ट ऑफ सिलेक्शन। तो इन दोनों में से जूनियर टीममेट में से और जूनियर हेल्पर में से आप लोग किस में सबसे पहले जाना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी पोस्ट को आप पहले पाना चाहते हैं यदि आप लोग का सिलेक्शन होता है तो आप लोग उसे पहले लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जूनियर हेल्पर लिख दिया, ठीक है, नीचे जूनियर मेट लिख दिया, या फिर मुझे जूनियर मेट अच्छा लगता है तो मैं पहले जूनियर मेट लिख दूंगा, दूसरे में जूनियर हेल्पर लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की जो भी है, 10th है, ITI है, तो यहाँ पे 10th लिख देंगे प्लस ITI लिख देंगे, या फिर आप लोगों ने 12th भी कर रखा है तो 12th भी लिख देंगे, जो भी है आप लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मैट्रिक्स। तो आप लोग को मैट्रिक्स की डिटेल देनी है क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले आप लोगों को नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से किया है आप लोगों ने, ठीक है, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। यदि बोर्ड का नाम नहीं पता है तो स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप लोगों ने 10th पास किया उस ईयर को आप लोग देख लेंगे, उसको आप लोग सर्टिफिकेट में लिखा होगा। टोटल मार्क्स आप लोग के कितने थे, मीन्स 1000 में से आप लोग को प्राप्त हुए थे, 800 में से प्राप्त हुए थे, 1500 में से प्राप्त हुए थे टोटल, ठीक है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद मार्क ऑब्टेन यानी आप लोगों को कितने मार्क्स प्राप्त हुए टोटल, वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बात दी जाती है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब आप लोगों की कितनी परसेंटेज आई है, वो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज को निकाल करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट है 15, उसमें आप लोग का ITI वायरमैन इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो यदि आप लोगों ने ITI कर रखी है वायरमैन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो आप लोग को यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है, किस ईयर में आप लोगों ने पास किया है उस ईयर का यहाँ पे आप लोगों को ईयर लिखनी है। तो मैं आप लोग को बता दूँ इसकी जो अप्लाई की डेट है उस तक आप लोग की जो ITI कंप्लीट हो जानी है तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और रेगुलर ITI आप लोग की होनी चाहिए। इसके अलावा बोनिफिट डोमिसाइल अटेस्टेड कॉपी, तो आप लोग हिमाचल के मूल निवासी है तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोग फोटो स्टेट भी लगाएंगे, इसकी वो नीचे डिटेल दे दूंगा। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सोइंग डिटेल, मार्किंग स्कूल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट इन हिमाचल प्रदेश इनके। तो यदि आप लोग हिमाचल के बाहर हैं और आप लोगों ने हिमाचल में ही स्कूल और जो इंस्टीट्यूट से जो आप लोगों ने अपनी मिडिल हाई स्कूल करी है तो आप लोग को यहाँ पे यस लिखना है, ठीक है। यदि आप लोग इस वक्त हिमाचल के बाहर हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और उसकी जो फोटो स्टेट आप लोगों को लगानी पड़ेगी, मतलब कि आप लोगों की जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है उसकी फोटो स्टेट आप लोगों को लगानी ही पड़ेगी। और यदि आप लोग अभी हिमाचल के बाहर नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पर्टिकुलर ऑफ फी डिपॉजिट 100 रुपये, इसमें आप लोग को 100 रुपये फीस पे करनी है यदि आप लोग जनरल से हैं, और यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो आप लोग को यहाँ पे 50 रुपये पे करने हैं। तो फीस कैसे पे करनी है, डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हैं या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर से, ठीक है। तो जिससे भी आप लोग पे करेंगे उसका आप लोग नंबर लिख देंगे और जिस डेट को आपने बनवाई है उस डेट को आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो आप लोग को पोस्टल ऑर्डर बनाना है वो किसके फेवर में बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ऑफिसर बैंकिंग HBSBL विद्युत भवन शिमला, ठीक है। तो इनके फेवर में ही आप लोग को जो है अपना जो पोस्टल ऑर्डर है वो बनवाना है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है आप लोग पेमेंट यहाँ पे RTGC NEFT IMPS के थ्रू कर सकते हैं स्टेट बैंक में जाकर के, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, यदि आप लोग स्टेट बैंक है आप लोग के आस पास तो स्टेट बैंक जाइए और आप लोग स्टेट बैंक में जो ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, HBSBL 3510-19-10, ठीक है, SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट पे कर देंगे और फिर जो आप लोगों को रिसिप्ट मिलेगी पेमेंट के बाद उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे और डेट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यदि स्टेट बैंक आप लोग के आसपास है तो आप लोग पेमेंट कर देंगे और इसके बाद जो आप लोग को फॉर्म पूरी तरीके से भर गए आप लोग यहाँ पे डेट लिख देंगे जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस लिख देंगे जिस प्लेस से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसके बाद सिग्नेचर कर देंगे अपना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटो सिग्नेचर आप लोग के जरूर होने चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कौन कौन से आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बैंक के ड्राफ्ट और IPO के बारे में बता दिया है, ऊपर अकाउंट ऑफिसर बैंकिंग HBCL शिमला 4, ठीक है, तो इनके नाम से ही आप लोग का बैंक ड्राफ्ट और जो IPO बनेगा। और यदि आप लोग डायरेक्ट बैंक में जमा कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत आप लोग को आने वाली नहीं है। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने हैं फॉर्म के साथ, इसकी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है जिसपे कि आप लोग को फोटो पे भी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, मतलब आधे सिग्नेचर नीचे आधे सिग्नेचर फोटो पे होने चाहिए। इसके बाद जो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म पे नीचे भी सिग्नेचर होना चाहिए, एक एनवलप में एक फॉर्म ही भेजना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 10th का आप लोग को सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना है जिसमें कि आप लोग के पूरे नंबर शो हो रहे हो, ठीक है, आप लोग के मार्क्स शो होने चाहिए जो सब्जेक्ट वाइज है, क्योंकि उसी के अनुसार ही आप लोग के जो है आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आप लोग के मार्क्स शो होने चाहिए, यदि वो सर्टिफिकेट में शो हो रहे हैं तो सर्टिफिकेट लगा देंगे, यदि सर्टिफिकेट में शो नहीं हो रहे तो मार्कशीट लगा देंगे, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्क्स शो होने चाहिए। और इसमें आप लोग जो सेल्फ अटेस्ट करना, सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आप लोग को जो मार्कशीट जो फोटो स्टेट होगी उसमें नीचे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, और सेल्फ अटेस्ट लिख देंगे और डेट लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को ITI का सर्टिफिकेट लगाना, ITI जैसे मैंने आप लोग को बता दिया रेगुलर होना चाहिए, और सेल्फ अटेस्ट उसे भी कर लेंगे, अपने सिग्नेचर डेट और आप लोग जो है नेम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हिमाचल का डोमिसाइल आप लोग को लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड उसी तरीके से आप लोग, ठीक है, सिग्नेचर नेम और डेट लिख देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST OBC EWS BPL और अंधोत्य सर्टिफिकेट है आप लोग के पास तो आप लोग उसे भी लगा देंगे सेल्फ अटेस्टेड, और यदि आप लोग जनरल से हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आप लोग जनरल में EWS में आते हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ तो आप लोग का यदि 10th के मार्कशीट में लगाया तो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है, यदि आप लोग ने कोई डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो आप लोग उसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप लोग को जरूर लगाना है, इसे भी आप लोग सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सेल्फ अटेस्ट करने हैं। इसके बाद आप लोग को बैंक ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाना है यदि इन दोनों से पेमेंट कर रहे हैं, यदि आप लोग डायरेक्ट बैंक में जमा कर रहे हैं तो आप लोग को ये लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्म में आप लोग को जो है अपने जो उसका नंबर डालना पड़ेगा और डेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग को एड्रेस दिया हुआ, इन तीनों एड्रेस में से आप लोग किसी भी एड्रेस में भेज सकते हैं। जी हाँ, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस है, ये मंडी का एड्रेस है और ये शिमला का एड्रेस, ठीक है, किसी भी एड्रेस में भेज दीजिए, आप लोग किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है A to Z की, किस तरीके से आप लोग को फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अदर स्टेट से आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हिमाचल का आप लोग के पास जो है डोमिसाइल होना ही चाहिए, वहाँ के आप लोग मूल निवासी होने ही चाहिए। सभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन में बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज में आप लोग के लिए आता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।